हेलो एवरीवन, आज हम फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूड क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देन उसका बॉडी में बैलेंस एंड मेंटेन कैसे करते हैं, अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लूड के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड आएगा बॉडी फ्लूड या सोर्स, फंक्शन, कंपोजिशन, थर्ड आएगा मोमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूड्स, फोर्थ आएगा फ्लूड का बैलेंस, फिफ्थ रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, होम्योस्टेसिस, इम्बैलेंस डिसऑर्डर, एसिड बेस बैलेंस एंड कंक्लूजन। ये इसके सारे कंटेंट है जो मतलब होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और द बॉडी मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ एसिड बेस बैलेंस। द कंट्रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन फोर्सेस, स्पेसिफिक ऑर्गन एक्टिविटी एंड सिस्टमिक एंड लोकल हार्मोन एक्शंस। ये सारे हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले एक टोटल बॉडी वेट फीमेल का और टोटल बॉडी वेट मेल का एक डायग्राम बना हुआ है, जिसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले जो फीमेल है उसके अंदर क्या है, सॉलिड जो पार्ट्स हैं वो 45% और जो फ्लूड्स होता है बॉडी में वो 55% होता है। यही मेल में सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो 40% एंड फ्लूड होता है 60%। टोटल बॉडी वाटर जो है वो बताया गया है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर कंस्टिट्यूट एन एवरेज 50-70% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी टोटल बॉडी वेट का 50-70% जो होता है वो वाटर होता है। यंग मेल्स के अंदर 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड ओल्डर मेल के अंदर 52%, और यंग जो फीमेल्स होती है उनके अंदर 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, और ओल्डर जो फीमेल होती है जो बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें 47%। वेरिएशन ऑफ प्लस माइनस 50% इन बोथ ग्रुप इज़ नॉर्मल। दोनों ग्रुप के अंदर प्लस माइनस 15% का जो वेरिएशन होता है वो नॉर्मल होता है। ओबेस हैव 25-30% लेस बॉडी वाटर होता है, जो नॉर्मल बॉडी वेट से भी बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर 25-30% जो बॉडी में वाटर होता है उसकी कमी होती है, लेस देन लीन पीपल, जिनके जो नॉर्मल व्यक्ति होता है या जो पतला व्यक्ति होता है उसकी तुलना में। इसके बाद इन्फेंट के अंदर 75-80% तक वाटर होता है। ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ वाटर, धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल लॉस होता है, और 65% एट 1 ईयर ऑफ एज, और 1 साल की एज तक 65% बॉडी में वाटर की बैलेंस होती है। जब वो पैदा होता है तब 75-80% होती है, और जब वो 1 साल का होगा तो 65%, मतलब इतना फिजियोलॉजिकल वाटर लॉस हुआ है। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ बॉडी फ्लूड। बॉडी फ्लूड के सोर्सेज क्या क्या है, तो सबसे पहले परफॉर्म वाटर रिप्रेजेंट अबाउट 2300 ml पर डे इन डेली इनटेक, मतलब हमें डेली इनटेक के लिए 2300 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस थ्रू द कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट अकरिंग ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन, दिस अमाउंट टू अबाउट 200 ml पर डे। जो मेटाबॉलिक वाटर होता है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन के थ्रू, और न्यूट्रिएंट अकर ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन, और जो सेल्युलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, तो दिस अमाउंट टू अबाउट 200 ml पर डे, उसकी जो अमाउंट होगी वो 200 ml पर डे होगी। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कंबाइनिंग परफॉर्म्ड एंड मेटाबॉलिक वाटर गिव्स अस टोटल डेली इनटेक ऑफ 2500 ml। कंबाइनिंग जो होगा वो टोटल डेली इनटेक जो बॉडी का होगा वो 2500 ml होगा।
परसेंट ऑफ द बॉडी फ्लूड इज इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर जो बॉडी फ्लूड होगा वो 62% होगा और अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ बॉडी फ्लूड इज इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल मतलब दो सेल्स सेल्स के जो बीच में स्पेस होता है उसके अंदर 30% फ्लूड होता है। उसके बाद आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ बॉडीज फ्लूड इज प्लाज्मा। जो बॉडी का जो फ्लूड होता है वो 8% होगा, यानी कि जो प्लाज्मा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 8% होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या है फ्लूड के? तो ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिक्विड मीडियम। जितनी भी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस होती है वो लिक्विड मीडियम के अंदर होती है। सेकंड आएगा इट इज़ क्रूशियल इन रेगुलेटिंग केमिकल एंड बायो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस विद इन सेल्स। ये क्या होगा? क्रूशियल होगा, जो कर रेगुलेट करेगा केमिकल और बायो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन सेल्स। बायो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सेल्स के अंदर। जो थर्ड पॉइंट आएगा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट। हार्मोन और न्यूट्रिएंट के जो सब्सटेंस होंगे उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी फ्लूड की रिक्वायरमेंट होती है। O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग टू बॉडी सेल्स। O2 का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से बॉडी सेल्स के अंदर, इसमें भी फ्लूड की रिक्वायरमेंट होती है। CO2 ट्रांसपोर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और CO2 का ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में होना, इसमें भी क्या होगा? फ्लूड की रिक्वायरमेंट होगी। O2 है वो लंग्स टू बॉडी सेल्स में जा रही है, तो CO2 क्या होगी? बॉडी सेल्स टू लंग्स। वेस्ट प्रोडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द किडनी एंड द लीवर। 7 पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूट हीट अराउंड द बॉडी, जिससे कि हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी के चारों तरफ। नेक्स्ट आएगा फ्लूड के टाइप। फ्लूड इन द बॉडी जनरली आर नॉट फाउंड इन अ प्योर फॉर्म। फ्लूड को प्योर फॉर्म में अपन जनरली फाउंड नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लूड का टाइप आएगा आइसोटोनिक, देन सेकेंड आएगा हाइपोटोनिक, एंड थर्ड आएगा हाइपरटोनिक। तीन टाइप्स अपन पढ़ते हैं। डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और डिजॉल्व सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। ये क्या करती है? जो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक जो टर्म है वो डिफाइंड करती है बॉडी के जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है और उसकी अमाउंट कितनी है उस पर। नेक्स्ट आएगा ब्लंचिंग दीज फ्लूड इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड नॉट द सॉल्यूट इन्वॉल्व। ब्लंचिंग दीज फ्लूड इन्वॉल्व द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड नॉट द सॉल्यूट इन्वॉल्व। नेक्स्ट आएगा कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड में आएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूड मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर इंक्लूड होगा मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डू नॉट डिसोशिएट इन वाटर एंड कैरी नो नीट इलेक्ट्रिकल चार्जेज। और जो वो डिसोशिएट होगा वाटर के अंदर और उसके अंदर कैरी नो नीट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सेकेंड आएगा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट इन वाटर टू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो वाटर के अंदर आयंस के अंदर टूटेंगे एंड इंक्लूड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एसिड एंड बेस एंड सम प्रोटीन। क्योंकि इनऑर्गेनिक इन मेजर कैटाइन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड इज सोडियम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड के अंदर जो मेजर जो कैटाइन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होता है, वो होता है सोडियम। एंड द मेजर एनायन इज क्लोराइड। और जो मेजर जो एनायन होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, वो होगा क्लोराइड। इन इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड द मेजर कैटाइन इज पोटेशियम एंड द मेजर एनायन इज फॉस्फेट। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड में सोडियम जो होगा वो मेजर कैटायन होगा और क्लोराइड होगा वो मेजर एनायन होगा। देन अगले टर्म हम पढ़ते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूड के अंदर जो मेजर कैटायन होता है वो पोटेशियम होता है और जो एनायन होगा वो फॉस्फेट होगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट आर द मोस्ट एबंडेंट सॉल्यूट इन बॉडी फ्लूड। इलेक्ट्रोलाइट होगा जो मोस्ट एबंडेंट
इलेक्ट्रोलाइट आर द मोस्ट अबंडेंट सॉल्यूट इन बॉडी फ्लूड। बॉडी फ्लूड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, बट प्रोटीन एंड सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट अकाउंट फॉर 60-97% ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। बट जो प्रोटीन और सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो अकाउंट जो 60-97% डिजॉल्व होते हैं सॉल्यूट के अंदर। नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल क्या होंगे? तो सबसे पहले होगा बॉडी कंट्रोल सिस्टम रेगुलेट इंजेशन एंड एक्सर्शन, मतलब तो कॉन्स्टेंट टोटल बॉडी वाटर एंड कॉन्स्टेंट टोटल बॉडी ऑस्मोलरिटी। बॉडी कंट्रोल सिस्टम रेगुलेट इंजेशन एंड एक्सर्शन, इसके अंदर क्या होगा? कॉन्स्टेंट टोटल बॉडी वाटर होगा और कॉन्स्टेंट टोटल बॉडी ऑस्मोलरिटी होगा। सेकेंड पॉइंट आएगा होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म रेस्पॉन्ड टू चेंज इन चेंजेस करके रेस्पॉन्ड करेगी। नो रिसेप्टर डायरेक्टली मॉनिटर फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट आएगा रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्लाज्मा वॉल्यूम और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक फ्लूड मोमेंट्स के बारे में। फ्लूड मोमेंट्स में आएगा सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिफरेंशियल्स, और सेकंड आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंशियल्स। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बॉडी फ्लूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन ये डायग्राम के थ्रू भी अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टोटल बॉडी वाटर होता है 50-70% होता है, और 50-70% को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड तो होगा 40% टोटल बॉडी वेट का, और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर होगा 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सबसे पहले आएगा इंटरस्टीशियल फ्लूड 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूड आएगा 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अब हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये डायग्राम मैंने आपको बताया था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड और ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इसका डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं कि कौन सा क्या कैसे हैं। टोटल बॉडी वाटर प्लाज्मा में 8%, इंटरस्टिशियल फ्लूड में 25%, ट्रांस सेलुलर फ्लूड 2% और इंट्रा सेलुलर फ्लूड होगा 65%। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल और इंट्रा सेलुलर के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे जो कैटायन है वह सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कैटायंस होते हैं, और एनायंस होंगे क्लोराइड सल्फेट फॉस्फेट ऑर्गेनिक एनायन प्रोटीन, और ये सारे क्या होंगे? एनायंस होंगे। कैटेगरीज के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आएगा चेंजेस इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंजेस के बेस पे अपन सबसे पहले हाइपो वॉल्यूमिया और हाइपर वॉल्यूमिया में इसको डिवाइड करेंगे। दूसरा आएगा कंसंट्रेशन में चेंज के आधार पर अपन हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया, एंड थर्ड आएगा चेंजेस इन कंपोजिशन। कंपोजिशन में चेंज आएगा एसिड बेस इम्बैलेंसेस, कंसंट्रेशन चेंजेस इन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। सबसे पहले जो वाटर गेन है उसको अपन देखेंगे सेंसिबल ओरल फ्लूड के थ्रू, अपन 800-1500 ठीक है ml वाटर, और सॉलिड फूड्स होगा वो 500-700। इनसेंसिबल होगा जो वाटर ऑफ ऑक्सीडेशन के थ्रू वो 250-800। अब क्या होगा, वाटर लॉस जो होता है वो कितना होता है? यूरिन के थ्रू 800-1500 मैक्सिमम 1400, इंटरस्टिशियल के थ्रू 0-250 यानी कि 250।
2500, उसके बाद स्वेट के थ्रू 4000, इनसेंसिबल में आएगा लंग्स और स्किन के थ्रू भी 600, तो टोटल होगा 1500 का लॉस। फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिट में टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिट, एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर स्पेस में फ्लूड की कमी। सेकेंड आएगा हाइपो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है, मतलब बॉडी की कंसंट्रेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फ्लूड की कमी होगी। वैस्कुलर फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिट हो जाएगा, वैस्कुलर फ्लूड की कमी हो जाएगी। थर्ड आएगा माइल्ड 2% ऑफ बॉडी वेट लॉस, माइल्ड में होगा 2% बॉडी वेट लॉस होगा एंड बॉडी वेट की तुलना में, और मॉडरेट में होगा 5% एंड सीवियर में होगा 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट लॉस। नेक्स्ट आएगा इसके जो कॉज ऑफ फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिट है उसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले लैक ऑफ इनटेक, मतलब खाने पीने में कमी, या एक्सेसिव फ्लूड लॉस, या बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूड का लॉस होना। तो लैक ऑफ इनटेक में क्या होगा, NBM, नील बाय माउथ, डिसफेजिया, ट्यूब फीड इंडिविजुअल्स, या इम्पेयर्ड थ्रस्ट मैकेनिज्म। एक्स्ट्रा एक्सेसिव फ्लूड लॉस में क्या होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, GI सक्शन, ब्लड लॉस या बर्न, इस वजह से पेशेंट में एक्स्ट्रा फ्लूड लॉस होता है। उसके बाद अपन असेसमेंट ऑफ फ्लूड बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इनपुट एंड आउटपुट, सेकेंड हम करेंगे ब्लड प्रेशर से, थर्ड हम करेंगे हार्ट रेट से, फोर्थ करेंगे डेली वेट से, फिफ्थ स्किन टर्गर से, सिक्स होगा म्यूकस मेम्ब्रेन से, सेवन्थ मेंटल स्टेटस से, एंड एट्थ आएगा लैब एनालिसिस से। फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूड वॉल्यूम इम्बैलेंस। नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं फ्लूड के टाइप्स पे। फ्लूड के टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था आइसोटोनिक, देन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, तीन टाइप के फ्लूड हमने पढ़े थे, इसके बारे में हमने नाम पढ़े थे सिर्फ। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है एंड हाइपरटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोलैरिटी ऑफ जो फ्लूड होगी वो 250 से 375 यानी कि 252-375 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी। इसके अंदर नो शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड, मतलब कोई भी फ्लूड की शिफ्टिंग नहीं होगी, और करता है। और अगला जो हम पढ़ेंगे वो आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी जो होगी इसकी वो 250 से कम होगी मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जो फ्लूड की शिफ्टिंग होगी फ्रॉम इंट्रावेस्क्युलर टू बोथ इंट्रासेल्युलर एंड इंटरस्टीशियल स्पेस। फ्लूड की जो शिफ्टिंग होगी वो इंट्रावेस्क्युलर से लेकर के इंट्रासेल्युलर और इंटरस्टीशियल स्पेस में होगी। थर्ड पॉइंट आएगा हाइड्रेट द सेल कॉजिंग देम टू स्वेल, जिससे कि क्या होगा, सेल होगी वो हाइड्रेट होगी, उसका कॉज होगा सेल फूल जाएगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी होगी 375 मिली ऑस्मोल पर लीटर और हायर, उससे भी ज़्यादा। वाटर मूव्स आउट ऑफ द इंट्रासेल्युलर स्पेस, जो वाटर होगा वो इंट्रासेल्युलर स्पेस से बाहर आ जाएगा और इंक्रीजिंग ECF और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को बढ़ा देगा। थर्ड पॉइंट इसमें अपन पढ़ते हैं डिहाइड्रेट द सेल कॉजिंग श्रिंकिंग, और ये सेल्स के अंदर जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल देगा और सेल श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो उसके एग्जांपल है 0.9% NaCl, देन रिंगल लैक्टेज सॉल्यूशन RL जिसे अपन बोलते हैं, और थर्ड आएगा रिंगर्स सॉल्यूशन, फोर्थ आएगा 5% डेक्सट्रोजन वाटर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं 0.45% NaCl, 0.33% NaCl, 0.2% NaCl एंड 2.5% डेक्सट्रोज वाटर।
थर्ड आएगा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन जिसमें आएगा 0.3% NaCl, 4th अपन जो पढ़ते हैं वो आएगा लेस देन 5% DyW, एग्जांपल है D10। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन के इंडिकेशंस क्या क्या होंगे? आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट सच एज NaCl, KCl, CaCl। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन का अपन यूज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में आएगा 0.9% NaCl और एक लैक्टेट रिंग सॉल्यूशन और एक D5% डेक्सट्रोज 5%। तो सबसे पहले जो NaCl है 0.9% उसका अपन यूज़ करेंगे शॉक वाले पेशेंट में, रीसक्सीटेशन में, फ्लूड चैलेंजेस में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अगर हो गया है पेशेंट को तो हाइपोनेट्रीमिया और DKA। यूज़ विद कॉशन इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर, एडिमा एंड हाइपरनेट्रीमिया कैन लीड टू फ्लूड ओवरलोड। RL जो अपन तो एक्यूट ब्लड लॉस या हाइपोवॉल्यूमिया और नेक्स्ट आएगा कंटेन पोटेशियम कैन कॉज हाइपरकैलेमिया इन रीनल पेशेंट, पेशेंट विद लिवर डिजीज कैन नॉट मेटाबोलाइज लैक्टेट, लैक्टेज इट्स कन्वर्टेड इनटू बाइकार्ब बाय लिवर। D5% जो होगा वो होगा फ्लूड लॉस एंड डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रीमिया, सॉल्यूशन बिकम हाइपोटोनिक व्हेन डेक्सट्रोज इज मेटाबोलाइज। नेक्स्ट पॉइंट आएगा डू नॉट यूज फॉर रीसक्सीटेशन, यूज कॉटेजली इन रीनल एंड कार्डियक पेशेंट।